हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली फंडा सॉल्यूशन पर। फ्रेंड्स, सरदर्द जितनी सामान्य समस्या होती है उतना ही इससे छुटकारा पाना मुश्किल होता है। सरदर्द लोग एक साधारण समस्या समझते हैं, पर जिन्हें ये पेन होता है उन्हें बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है, क्योंकि सरदर्द होने पर हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं और हमारे जो सोचने समझने की क्षमता होती है उस पर भी सरदर्द के कारण बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, और ऐसे में पढ़ना लिखना या कोई भी काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इस समस्या से जल्द छुटकारा पाने के लिए लोग तुरंत ही पेन किलर खाना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोगों को ऐसी समस्या होती है कि उन्हें रोज़ ही सरदर्द होता है और मैं रोज़ पेन किलर खाते हैं। पर फ्रेंड, पेन किलर हमारे सरदर्द को आराम तो दे देती है, लेकिन पेन किलर का जो घातक प्रभाव होता है वो अक्सर हमारे शरीर के दूसरे हिस्सों पर होता है। पेन किलर खाने से अक्सर ही हमारी किडनी को बहुत ही घातक नुकसान होता है, और लगातार फ्रेंड पेन किलर खाते रहने से किडनी फेलियर के भी चांसेस हो जाते हैं। इसलिए फ्रेंड पेन किलर नहीं खाना चाहिए। और दूसरी चीज़ फ्रेंड, पेन किलर खाने से अक्सर हमारे बॉडी को एक ऐसी हैबिट लग जाती है कि किसी भी तरह का दर्द होने पर जब तक हम पेन किलर नहीं खाते हैं हमें उस समस्या से निजात नहीं मिल पाती है। तो फ्रेंड, इस तरह की गलती कतई ना, अगर आपको सरदर्द है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें और उसका स्थायी इलाज कराएं ताकि आपको सरदर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। इसके अतिरिक्त अगर आप कुछ होम रेमेडीज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ होम रेमेडीज बताने वाली हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप सरदर्द से आराम पा सकते हैं। और फ्रेंड, ये घरेलू नुस्खे बहुत ही आसान हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें माथे पर लेप करने के लिए बताऊंगी और कुछ चीज़ें मैं आपको खाने या पीने से रिलेटेड बताऊंगी जिनका आप इस्तेमाल करके सर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे लाल रंग का एक सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दें, उसके बाद एक घंटी का निशान आएगा उसे भी दबा दें। इस तरह से मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, हम जान लेते हैं उन घरेलू नुस्खों के बारे में जो कि हमें सरदर्द से राहत दिलाने में कारगर होते हैं, हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो फ्रेंड, पहला नुस्खा है लहसुन यानी कि गार्लिक। लहसुन की 5 कलियों को लेकर उन्हें पीस कर उनकी चटनी बना लें और उसमें 2 चुटकी नमक डाल लें। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और खाना खाने के साथ इस चटनी को खाएं। इससे आपको अक्सर होने वाला जो सरदर्द होता है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। लहसुन का दूसरा प्रयोग भी है फ्रेंड, अगर आपको सरदर्द हो रहा है तो आप लहसुन को पीस कर उसका 1 चम्मच तक रस निकाल लें और उस रस को पी लें। इससे भी आपको सरदर्द से थोड़ी देर में राहत मिल जाएगी। दूसरा नुस्खा है फ्रेंड तुलसी। तुलसी हमारे शरीर के लिए वरदान होती है, बहुत तरह बीमारियों को दूर करने में तुलसी फ्रेंड बहुत कारगर होती है। उसी तरह से तुलसी सरदर्द राहत दिलाने में भी कारगर होती है। तुलसी के पत्तों को पीसकर इसका पेस्ट बना लें और इसे अपने माथे पर लेप कर लें। माथे पर इसका लेप लगाने से सर को बहुत ही ज़्यादा ठंडक मिलती है और साथ ही नसों को आराम मिलता है, जिससे सरदर्द से जल्दी राहत मिल जाती है। तीसरा नुस्खा है फ्रेंड लौकी। लौकी जिसे बॉटल गार्ड और दूधी के नाम से जाना जाता है, लौकी का गूदा निकाल कर इसका पेस्ट बना लें और इसे माथे पर लेप कर लें। लौकी काफ़ी ठंडी होती है और इसकी कूलिंग प्रॉपर्टी के कारण सरदर्द से बहुत जल्दी राहत मिल जाती है। तो लौकी भी सरदर्द से छुटकारा दिलाने में काफ़ी कारगर होती है। चौथा नुस्खा है फ्रेंड दालचीनी। दालचीनी को पीस कर इसका पेस्ट बना लें और इसे माथे पर लेप कर लें। इससे भी बहुत जल्दी सरदर्द से आराम मिलता है। पांचवा नुस्खा है फ्रेंड गर्म पानी के साथ नींबू निचोड़ कर पिए। अगर गैस के कारण सरदर्द हो रहा है तो 1 गिलास गर्म पानी में 1 नींबू को निचोड़ लें और उसे पी लें। इससे गैस से राहत मिलती है और सरदर्द से आराम मिल जाता है। फ्रेंड छठा और बहुत ही पुराना नुस्खा है दूध के साथ जलेबियाँ खाना। अगर आपको रोज़ सरदर्द होता है और आप सरदर्द से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हैं तो रोज़ सुबह आप गर्म दूध में जलेबियाँ डालकर उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, उसके बाद उस जलेबी को खा लें और दूध भी पी लें। यह प्रयोग फ्रेंड आपको प्रतिदिन करना है, इससे आपको सरदर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। सातवां नुस्खा है फ्रेंड गुड़ का शरबत पीना। 1 डली गुड़ को पानी में घोलकर उसे अच्छे से छान लें और इसे पी लें। इससे भी सरदर्द से आराम मिलता है। आठवां नुस्खा है फ्रेंड ठंडे तेल से मालिश। अगर आपको सरदर्द से तुरंत राहत चाहिए तो आप अपने सर पर ठंडे तेल से मालिश करवाएं, इससे भी आपको सरदर्द से बहुत जल्दी राहत मिलेगी। तो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने कुछ आसान देसी घरेलू नुस्खे बताए जिनका प्रयोग करके आप सरदर्द से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।